चलिए आज हम लोग देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन। लेट एक्स बी एनी नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी एक्स कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है। द फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स। यानी ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू है, इसको हम लोग कहेंगे कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। उसी तरह और इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको हम इक्वेशन वन कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग उसी तरह साइन का हो जाएगा। अगेन द फंक्शन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। यानी कॉस का जो है सो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू है, और साइन का क्या होगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको हम लोग इक्वेशन दो करते हैं, ठीक। इसी तरह हम लोग टेन टेन फंक्शन का निकाल सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स बटे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपोनेंशियल कितना है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू बटे कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू। ये टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या बचा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये टेन का हो गया, उसी तरह कॉट का हो जाएगा। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन कॉस टेन कॉट और सेक का क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है वन बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो कॉस हाइपरबोलिक का एक्स का कितना है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। उसी तरह हमारा हो जाएगा कोसेक का, कोसेक का हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोसेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और वन बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, और ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा टू बाई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस क्या है, मान लीजिए हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स एक्स का एक्सपोनेंशियल हम लोग जानते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, ये साइन का हो गया ये कॉस का हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा दो आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा टू ई टू द पावर एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल और ई टू द पावर एक्स। यानी हम लोग ई टू द पावर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। ये कुछ इसको याद रखना है, ये आगे यूज होगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग मान लीजिए कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये वन हो गया दो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी कॉस में साइन को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे
तब क्या होगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई टू प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई टू, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। अब इसको एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। अब ई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बचेगा ये दोनों ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल और ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और अब आगे हम लोग मान लीजिए कि इफ एक्स बराबर जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर एक्स की जगह जीरो है तो हम लोग यहाँ जीरो पुट करते हैं, तो जीरो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक जीरो, और e टू द पावर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x यानी x की जगह जीरो प्लस e टू द पावर माइनस जीरो बाय टू, ठीक है। तो e टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, प्लस e टू द पावर माइनस जीरो का भी वैल्यू वन बाय टू, ठीक है। तो टू बाय टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक जीरो का कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक जीरो बराबर ई टू द पावर जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो बाय टू, ठीक है। ई टू द पावर जीरो वैल्यू वन माइनस इसका भी वैल्यू वन बाय टू, ठीक है। तो वन में वन जाएगा जीरो बाय टू, यानी इसका वैल्यू आ गया जीरो। अब यहाँ से हम लोग टेन हाइपरबोलिक जीरो का निकाल सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक जीरो बराबर साइन हाइपरबोलिक जीरो बाय कॉस हाइपरबोलिक जीरो, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यू जीरो बटे कॉस हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यू वन बराबर जीरो बाय वन जीरो, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉट हाइपरबोलिक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाय जीरो, क्योंकि कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे, तो वन बाय जीरो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। और कोसेक हाइपरबोलिक, कोसेक हाइपरबोलिक जीरो का वन बाय साइन हाइपरबोलिक जीरो यानी वन बाय जीरो इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। और सेक हाइपरबोलिक जीरो का वन बाय कॉस हाइपरबोलिक जीरो यानी वन बाय वन इज इक्वल्स टू वन, यानी कॉस हाइपरबोलिक जीरो बराबर वन हो गया, साइन हाइपरबोलिक जीरो बराबर जीरो हो गया, टेन हाइपरबोलिक जीरो बराबर जीरो हो गया, कॉट हाइपरबोलिक जीरो बराबर कितना हो गया, इनफाइनाइट, और सेक हाइपरबोलिक जीरो बराबर वन, और कोसेक हाइपरबोलिक जीरो बराबर इनफाइनाइट, यानी ये सब फॉर्मूला के रूप में यूज होगा आगे, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ, प्रूफ करना है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, इसका होल स्क्वायर है। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपोनेंशियल है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसका हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय फोर, इसका होल स्क्वायर
ठीक है, यहाँ टू का स्क्वायर करेंगे फोर माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम फोर आ जाएगा, और ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, फोर ए बी। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी उसी फॉर्म में है, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फोर ए बी, यानी फोर इंटू ए में क्या है ई टू दी पावर एक्स इंटू ए, और बी में ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, और ई टू दी पावर इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर वन बाय एक्स लिख सकते हैं, इससे और इससे कैंसिल हो गया बराबर वन। क्या प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोग कुछ और फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखते हैं फार्मूला क्या है। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं बोथ साइड, इसको इक्वेशन वन मानते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ वन बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यदि हम लोग कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड किए किससे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर इधर भी डिवाइड करेंगे वन बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो कॉस अलग अलग कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बटे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बटे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक, कॉस से कॉस कट जाएगा, वन माइनस साइन बटे कॉस कितना होता है, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन इज इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस इधर आएगा प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड किए, फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आप लोग खुद करके देखिएगा, इसका आएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं।